देखिए कृष्णा जी को मैं कई वर्षों से मैं अमेरिका में मिलता रहा हूँ, हमारे बहुत से प्रोग्राम में आती रही, तो मैंने इनसे कहा था कि आप इतना प्यारा गाती हैं तो आप इतनी कंजूस क्यों हैं कि इस गाने को बाहर नहीं ला रही, अपने गाने को, इस गाने को लोगों तक पहुंचाइए, लोग सुन सकें, आपकी इस प्रतिभा को जान सकें, इस प्रतिभा को आप छुपा के क्यों रख रहे हैं। खैर, देर आई दुरुस्त आई, जो काम 20 साल पहले हो जाना चाहिए था वो तो अब हुआ। राजीव महावीर जी इनको मिले, उन्होंने भी इनको इनकरेज किया, राजीव जी ने बहुत अच्छा संगीत तैयार किया इस गाने का, और मैं और कृष्णा जी दोनों इस गाने को गा रहे हैं, और हम दोनों पर भगवान राम की बहुत कृपा होगी इसका मुझे विश्वास। एक गाना है, राम के भजन जो भी सुनते हैं, राम भी हमेशा उनकी सुनते हैं। तो राम के भजन जो भी गाते हैं तो वो जीवन भर सुख पाते हैं, तो कृष्णा जी जीवन भर सुख पाएंगी क्योंकि अभी इन्होंने राम का भजन लिखा भी है। बताइए, ये दो काम हुए हैं कि इन्होंने लिखा भी है, कंपोज भी किया है और गाया भी है। इसका जो म्यूजिक अरेंजमेंट है वो राजीव महावीर ने किया। कृष्णा जी अमेरिका में जरूर रहती हैं, लेकिन ये पूरी इंडियन है, पूरी इंडियन। इनके अंदर जो भाव है, इनकी भाषा है, वो पूरी भारतीय है। बढ़िया हिंदी बोलती है फर्स्ट क्लास। तो मैं तो ये कहूंगा कि भगवान राम का आदेश उन्होंने मान लिया है और अब लिखना और गाना दोनों शुरू कर दिया। 15 दिन के अंदर आ जाएगा, आज इसकी रिकॉर्डिंग हो जाएगी और 15 दिन के अंदर हम इसको प्रस्तुत कर देंगे। मैं सिर्फ ये कहना चाहता हूँ कि इससे भाग्यशाली दिन और कोई नहीं हो सकता, जो कि भजन सम्राट अनूप जी के मुखारविंद से मेरा लिखा हुआ भजन उनकी थोड़ी संगत निभा के कंपोज किया हुआ उस राम मंदिर तक पहुंचेगा, जहां हम समझते हैं कि हमारी प्रार्थना स्वीकार होगी। इनसे अच्छा और कौन गा सकता है? ये एक ही लाइन में मैं आपको बता सकती हूँ, या अमेरिका का है, ये तो पूरे वर्ल्ड में प्रसिद्ध है। मैं नहीं हूँ, मैं वो चीज़ नहीं हूँ। पोइट जरूर हूँ, लिख जरूर लेती हूँ, परंतु थोड़ा बहुत इन्हीं के एनकरेजमेंट से यहाँ पर आज आके मैंने साहस किया है कि चलो किसी तरह से इसको, भजन जो लिखा है इसको पूरा किया जाए। और ऊपर राम जी की लीला देखिए कि आज अब इस वक्त पर ये भजन पूरा हो रहा है और समय पर हो रहा है उनके लिए। जब ये आएगा बाहर, मुझे पूरा विश्वास है कि पसंद करेंगे लोग। लेकिन इससे भी बड़ी बात सिर्फ यही है कि ये उनके चरणों तक पहुंच रहा है। देखिए, नरेंद्र मोदी जी जो हैं वो अपने आप में एक बिल्कुल बहुत ही डिफरेंट और बहुत ही अलग इंसान हैं, जिन्होंने कि भारत की उन्नति, हिंदी, अपनी आगे की जितनी भी यहाँ पर जनता है उनको आगे बढ़ाने के लिए, जो विकास के लिए वो जो सब कुछ कर रहे हैं, और हिंदुत्व को फैलाने के लिए। तो मैं जय श्री राम कहूँगा सबको। मेरा बहुत बहुत नमस्कार, और इससे खूबसूरत बात नहीं हो सकती कि मेरे भाग्य में अनूप जी जैसे लोग, कृष्णा जी जैसे और राम जी, तो राम कृष्णा और ये सारा जो माहौल बना हुआ है, और अनूप जी की आवाज़ के बिना तो ऐसा हो ही नहीं सकता कि वो हमारा मैसेज या हमारी बात पहुँचे। ये साक्षात हमारे साथ हैं, तो ये आशीर्वाद ही हो सकता है कि मैं इनका एक हिस्सा बना हूँ। और कृष्णा जी ने इतना सुंदर भजन लिखा है, बहुत अच्छा गाया है, और भाई साहब अनूप जी तो है ही हैं, कोई शक ही नहीं कि मैं भी इसका करेंगे इनका हिस्सा बन चुका हूँ। और यहाँ पर आके
इस चीज को याद रखना कि हम हमारा रूट क्या है, हमारी नींद क्या है। मैं बहुत भाग्यशाली समझता हूँ, और मालिक करे कि ये आवाज पूरी दुनिया में फैलती रहे, अयोध्या तक पहुंची है और भी पूरी दुनिया में पहुंचे कि 22 तारीख का दिन हम सब लोगों के लिए बहुत ही बड़ा उत्साह का दिन है, और मैं चाहूँगा कि सब लोग इसे बहुत प्यार से इसको मनाएं और जय श्री राम के नारे लगते रहें।